हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो पर आपको केवल बतलाएंगे सकिंग पेस्ट के बारे में, यानी जो रस चूसक कीट होते हैं इनके बारे में डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे। और किसी अगली वीडियो पर आपको बतलाएंगे कि जो पेस्ट होते हैं, जो चबाने वाले कीट होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सकिंग पेस्ट की रोकथाम। कीट कितने प्रकार के होते हैं हमारी फसलों पर, कीटों से कौन कौन से नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं, आइडेंटिफाई यानी पहचान किस प्रकार करना है, कंट्रोल करने के लिए कौन सी बेहतरीन कीटनाशक हैं। काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के, किसान मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उन पर कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और उनकी रोकथाम, लाइफ साइकिल और जो संपूर्ण जानकारी है कीटों के बारे में। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है कीटों का विज्ञान, आइडेंटिफाई के साथ साथ दोस्तों को जो संपूर्ण जानकारी है कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं सरल और आसान विधि से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कीट दो प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट वे कीट होते हैं जो कि हमारी मुलाम पत्तियों को, फूलों को और साथ ही फलियों को चबाने का काम करते हैं। इसके अलावा पेस्ट के ऊपर बात करें तो यह सकिंग पेस्ट की श्रेणी में आते हैं, जो कि खासकर मुलाम पत्तियों को, इसके अलावा फूलों के रस को और क्लोरोफिल, पौधे के क्लोरोफिल के जो रस को चूसने का काम करते हैं। तो एक कीट वे होते हैं जो कि खाते हैं और दूसरे वे कीट होते हैं जो कि क्लोरोफिल को या फिर फूलों के रस को चूसने का काम करते हैं। फसल में, सब्जियों में दोस्तों क्वालिटी को प्रभावित करने में एवं पत्तियों की शाखाओं के साथ साथ फलों को, फूलों को क्षतिग्रस्त करके फंगस जनित बीमारी को भी बढ़ावा देती हैं। और न केवल दोस्तों फंगस को यह कीट बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारी फसलों को 90% तक उपज में गिरावट ला सकते हैं जो कीट होते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए, क्योंकि खासकर यदि जो सकिंग पेस्ट होते हैं दोस्तों, यह न केवल हमारी फसलों को मतलब नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि वायरस को बढ़ावा देते हैं और पत्तियों को छुप कर यह मतलब नुकसान पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। पत्तियों के निचले साइड पर जो सकिंग पेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को प्रभावित करते हैं, वायरस को फैलाते हैं, लीफ कर्ल को फैलाते हैं। तो कीट तो कई प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान, रोकथाम और हमारे किसान मित्रों को सरल और आसान शब्दों में समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार कृषि कार्य जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। हिंदी पर दोस्तों सफेद मक्खी कहते हैं और इंग्लिश पर कहते हैं व्हाइट फ्लाई। जो कि आप दोस्तों फोटो पर देख रहे हैं यह है व्हाइट फ्लाई। तो आइए इसके बारे में डिटेल से दोस्तों समझते हैं। सफेद मक्खी दिखने में पीले रंग के जरूर होते हैं, लेकिन इनके पंख जो होते हैं दोस्तों सफेद रंग के होते हैं। यह एक जगह से दूसरी जगह उड़ने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। यह लीफ यानी पत्तियों के हमेशा नीचे छुपकर ही रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता जाता है। गर्मियों के दिनों पर काफी तीव्र गति से सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो सफेद मक्खी अपनी लाइफ साइकिल 33 दिन पर कंप्लीट कर लेती है। सफेद मक्खी अपने जीवन में लगभग दोस्तों 100 से लेकर 120 अंडे देती है और अंडे हमेशा नीचे साइड देती है। इस प्रकार इन अंडों से व्हाइट फ्लाई के बच्चे बाहर निकलते हैं जो कि क्लोरोफिल को खाते हैं। और 33 दिन के आसपास का समय लगता है यदि टेम्परेचर बढ़ता है। जो लाइफ साइकिल है 25 दिन पर भी सफेद मक्खी अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी सफेद मक्खी से सफेद मक्खी तक बनने का जो समय है, यानी 33 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि दोस्तों अंडे, प्यूपा और अडल्ट, और इनके बीच में जो एक्स होते हैं दोस्तों उनसे निम्फ्स निकलते हैं। तो जो निम्फ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हल्के हल्के से चिपचिपे से दिखते हैं जो निम्फ्स होते हैं, उनसे फिर प्यूपा अडल्ट तैयार होते हैं। तो आपको लगता है दोस्तों कि सफ़ेद मक्खी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। देखिए नुकसान तो पहुंचाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाती हैं सफ़ेद मक्खी के जो निम्फ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करना है, निम्फ्स को भी कंट्रोल करना है, अंडे को भी कंट्रोल करना है। तो जो सफ़ेद मक्खी होती हैं दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे से दिखते हैं। यदि आप अपनी आँखों से देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, तब आपको सफ़ेद मक्खी दिखने वाली बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। और अगर बात करें नुकसान की, तो जो अंडे में से जब बच्चे बाहर निकलते हैं
तब एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे क्लोरोफिल खत्म होने से पत्ते प्रकाशन संश्लेषण ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और पत्ते काले होकर मुड़ जाते हैं। यह वायरस को भी फैलाती है, इससे फंगस उत्पन्न हो जाता है जिससे उपज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है कि कपास की फसल पूरी की पूरी चौपट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा वायरस को, लगभग जो सफ़ेद मक्खी है 110 प्रकार के वायरस को बढ़ावा देती है, जैसे खासकर लीफ कर्ल वायरस है, LCV वायरस है। तो जो जितने प्रकार के वायरस होते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे को ट्रांसमिशन तरीके से वायरस को फैलाने का काम भी दोस्तों सफ़ेद मक्खी करती है। तो काफ़ी ज़्यादा यदि फंगस के बारे में बात करें तो कई प्रकार के वायरस को सफ़ेद मक्खी तो बढ़ावा देती ही देती है, इसके साथ ही जो सूटी मोल्ड फंगस है उसको भी काफ़ी तीव्र गति से यह बढ़ावा देती है। तो कुल मिला के पत्तियों को क्लोरोफिल बनने से रोकती है, पैदावार घटाती है, तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है। नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कंट्रोल के बारे में कि सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई को कैसे आप रोक सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंट्रोल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है। यह एक ऐसा इंसेक्ट है कि लगातार आप किसी भी कीटनाशक को यदि बार बार स्प्रे करेंगे तो यह कीट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रति पत्ती पर जो पौधा होता है, प्रति पत्ती पर यदि 2 से 3 सफ़ेद मक्खी दिख रही हो तो आप आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव रूप में जितने आप जल्दी सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव रूप में जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, उतनी शानदार तरीके से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होने वाली है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीके के बारे में बात करते हैं, फिर रासायनिक तरीके के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो सफ़ेद मक्खी है इसकी रोकथाम और कंट्रोल की ऑर्गेनिक जो विधि है, सबसे पहले तो आप ट्रैप लगाइए, पीला ट्रैप लगाइए, एलो ट्रैप, 1 एकड़ में 20 फीस सफिशियंट है, 20 फीस पर्याप्त होते हैं। फसल से 1.5 फीट 2 फीट ऊपर आप ट्रैप जरूर लगाइए, तो ट्रैप लगाने से भी काफ़ी अच्छा फायदा होता है। इसके अलावा मल्चिंग पेपर लगाने से भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक वाला जो यदि आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा पत्तियों के नीचे जो टेम्परेचर बढ़ने से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम होता है, ध्यान रखिए। यानी जो पत्तियों के नीचे यदि आप मल्चिंग पेपर लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा पत्तियों के नीचे साइड, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप थोड़ा कम होगा। इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर पाएंगे, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 5 किलोग्राम नीमोली, जो नीम की फल होते हैं नीमोली, उनको पीस करके 200 लीटर पानी में भी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल या फिर फिश ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर की दर से। ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक तरीके से, अब बात करते हैं रासायनिक तरीके से कि किस प्रकार आप रासायनिक मेथड से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव रूप पर, क्योंकि 2 स्टेज होती हैं, एक तो प्रिवेंटिव रोग आने से पहले, रोग आने के बाद, यदि रासायनिक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो रोग आने के पहले सिजेंटा कंपनी की एक तार यानी थायमोथोक्सोम 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर एसिटा भी प्रति 20% SP यानी कृषि रसायन की 0.5 ग्राम से लेकर 0.7 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेक्स सुपर 2 ml प्रति लीटर की दर से भी दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कॉन्फिडोर सुपर 0.5 से लेकर 0.7 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रोग आ चुका है, रोग यानी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ चुका है, तो इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे पायरीप्रोक्सिफेन 10% EC 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से, BASF कंपनी की सेफीना 2 से 3 ml की दर से, GSP की SLR 525 इंसेक्टिसाइड 2 ml प्रति लीटर की दर से, इसके अलावा पेगास सिजेंटा कंपनी की 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से, इनमें से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करने से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जो डोज है प्रति लीटर की दर से आपको बतलाया है। इसके अलावा दोस्तों सफ़ेद मक्खी से कौन कौन सी फसलें ग्रसित हो सकती हैं आइए समझते हैं। तो प्रमुख रूप से कपास, पपीता, भिंडी, खीरा, सोयाबीन, मिर्च, कद्दू के साथ साथ दोस्तों मूंग, उड़द,
वैगन शिमला और आलू के साथ साथ सेम है, आलू है, तरबूज है, करेला है, गिलकी है, बरबटी, लौकी जैसी फसलों पर या फिर और भी अन्य हरी सब्जियों पर बागबानी पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा सकता है। तो फसलें तो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन कंट्रोल करने का जो तरीका है वो एक ही है। इसके अलावा दोस्तों फंगस के ऊपर बात कर रहे हैं कि कौन सा फंगस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकता है, तो बेबेरिया वेसियाना को भी आप 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से सफ़ेद मक्खी को हमारे किसान मित्र कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद मक्खी चाहे खीरा हो या फिर अन्य फसलें हों, प्रिवेंट रूम में ही स्प्रे करें, बेहतरीन तरीके से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। बात करते हैं नंबर 2 थ्रिप्स। थ्रिप्स एक रस चूसा कीट है दोस्तों, इसकी जानकारी भी शेयर करते हैं आइडेंटिफाई और कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई यानी पहचान। तो यह एक रस चूसा कीट है जो कि पत्तियों की निचली सतह में दोनों पत्तियों के बीच में रहकर रस को चूसने का काम करती रहती है। यह वायरस को भी फैलाती है, वायरस का भी वाहक होता है, यानी थ्रिप्स जो होता है दोस्तों लगभग कई प्रकार के वायरस को भी फैलाता है। और थ्रिप्स कई प्रकार की होती है, ब्लैक थ्रिप्स और येलो थ्रिप्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ इस प्रकार पारदर्शी दिखने पीले के छोटे छोटे कीट होते हैं। यह 6 पैरों वाली थ्रिप्स काली, पीली, सफ़ेद, लाल और ब्लैक थ्रिप्स दोस्तों हो सकती, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 25 से 30 दिन में अपनी टोटल लाइफ साइकिल थ्रिप्स जीवन चक्र पूरा कर लेती है। 0 दिन से 10 दिन में अंडे, 7 दिन से 14 दिन में लार्वा और 2 दिन से 5 दिन में प्यूपा तैयार हो जाते हैं। और वहीं वयस्क की बात करें तो 2 से लेकर 30 दिन में अडल्ट जो होते हैं थ्रिप्स तैयार हो जाता है। यानी टोटल ये मान लीजिए लगभग 25 से 30 दिन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। थ्रिप्स के दोस्तों वयस्क और निम्स सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और एक पत्ती पर 100 से लेकर 250 अंडे एक बार में मादा थ्रिप्स अंडे देती है। प्रकोप के ऊपर बात करें तो कोमल पत्तियों पर, फूलों पर, नई पत्तियों पर और पत्तियों के नीचे साइड प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। साइड इफेक्ट के ऊपर बात करें कि कौन कौन सी फसलों पर, तो प्रमुख रूप से प्याज की फसल पर थ्रिप्स का प्रकोप देखा जाता है। मिर्च, टमाटर, शिमला, लहसुन, खीरा, कपास के साथ साथ और भी अन्य सब्जियों पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। छोटी मुलायम पत्तियों पर दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं थ्रिप्स की रोकथाम। तो जैविक नियंत्रण के लिए आप बेबेरिया वेसियाना 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। आप नीला ट्रैप लगा सकते हैं, 20 फीस एक एकड़ में सफिशेंट है और जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। बायोफंगस का भी प्रयोग दोस्तों आप कर सकते हैं 3 से 5 ग्राम। इसके अलावा रासायनिक के लिए प्रिवेंटिव में ड्रिंचिंग कर सकते हैं। मीटा क्लोरपर 17.8% SL 300 ml प्रति एकड़ की दर से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे पर आप फिप्रोनल का स्प्रे कर सकते हैं 18.87% SC 1 ml प्रति लीटर की दर से। नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर की दर से। गोल्ड 3 ग्राम प्रति लीटर, 2 ml प्रति लीटर की दर से यदि प्रिवेंटिव रूप में कीटों का प्रकोप होता है तो। लेकिन दोस्तों रोग आने के बाद कौन सा स्प्रे अच्छा काम करेगा आइए समझते हैं। तो यह जो 5-6 स्प्रे दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं प्रति लीटर की दर से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। डाउ की की पुलिस हो, बार की मोमेंटो एनर्जी हो, इसके अलावा डाइफेंथ्यूरॉन है या फिर फ्लोक्सा मैथोमाइट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों चाहे पीला थ्रिप्स हो या फिर ब्लैक थ्रिप्स हो या फिर कोई भी प्रकार का थ्रिप्स हो कंट्रोल हो जाएगा। यही सबसे सही और आसान मेथड है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। थ्रिप्स का प्रकोप यदि दोस्तों प्रिवेंटिव रूप में आप स्प्रे करते हैं तो आसानी से थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। रोग आने के बाद यदि रोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है या थ्रिप्स का प्रकोप कंटिन्यू बढ़ता है तो फिर ऐसी सिचुएशन पर थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाना मुश्किल वाला काम होता है। नंबर 3 फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई। इसको दोस्तों हिंदी पर फल मक्खी कहा जाता है और इंग्लिश पर फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहचान के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो जो फल मक्खी है गोल्डन चमकदार
भूरे रंग के पारदर्शी पंख होते हैं जो कि लाल भूरे रंग के भी दिखते हैं। तो जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं यह है फल मक्खी। फल मक्खी फलों को रस को चूसकर उसको कमजोर कर देती है, जिसमें फल में सड़न पैदा हो जाती है। फलों की क्वालिटी 90% तक दोस्तों फल मक्खी प्रभावित करती है। फलों में दाग धब्बे आ जाते हैं। इसकी लाइफ साइकिल अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, यह चार अवस्थाएं होती हैं। फल मक्खी की लाइफ साइकिल 15 से 30 दिन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। कौन सी फसलों पर हैवी अटैक देखने के लिए मिलता है? तो फल मक्खी खासकर तोराई, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, इसके अलावा तरबूज, खरबूज, अमरूद, गिलकी, करेला, टिंडा और बेल वर्गी फसलों पर फल मक्खी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। फल मक्खी एक बार में जो मादा मक्खी होती है दोस्तों 300 से 500 अंडे देती है। ध्यान रखिए, एक बार में मादा मक्खी 300 से 500 अंडे देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेजी से अपनी जनरेशन फैलाती है, प्रकोप फैलाती है। फल में डंक मारकर अंडे देती है और काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान करती है, फलों में सड़न पैदा कर देती है। उपाय के ऊपर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना है। एक एकड़ में 15 से 20 फीस फसल से 2 फीट ऊपर। अब जो कि आप यह ट्रैप देख रहे हैं यह है फ्रूट फ्लाई ट्रैप, इनको आपको जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक के लिए इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक बायर की सोलमैन, यूपीएल की लांसर गोल्ड, प्रोफेक्स सुपर या फिर वायर की डेसेस 100, इनमें से कोई भी जो डोज आप देख रहे हैं प्रति लीटर की दर से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे करने में आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। फल मक्खी जो होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेल वर्गी फसलों पर नुकसान पहुंचाती है और काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को प्रभावित करती है। तो इसको कंट्रोल करने की आसान सरल मेथड आपको बतला दी। अगले कीट के ऊपर बात करते हैं, नंबर 4 माइट्स, जिसे हम हिंदी पर मकड़ी और इंग्लिश पर माइट्स कहते हैं। हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर, फसलों पर माइट्स दो ही प्रकार की कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, एक तो येलो माइट्स और दूसरा रेड माइट्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी पहचान कैसी है। तो यह छोटे छोटे जीव होते हैं, इनके 8 पैर होते हैं और इनका रंग अलग अलग हो सकता है, लाल, नारंगी, भूरा, पीला। आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि माइट्स एक सूक्ष्म जीव मकड़ी है जो कि सेबफल की फसल पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रकोप देखा गया है। फसलों पर यूरोपियन रेड माइट्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। माइट्स पत्तियों के निचले साइड क्लोरोफिल को खाकर पत्तियों को बेजान कर देती हैं एवं फलों की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से नहीं हो पाती है और माइट्स अधिक नमी और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अधिक तीव्र गति से वृद्धि करती है। माइट्स की लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो इसके जो अंडे होते हैं दोस्तों, अंडे गोल और चमकीले होते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 8 से 10 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस में 20 दिन में अपनी लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेते हैं। इनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है 3 से 6 दिन में अंडे, 4 से 9 दिन में लार्वा और जो वयस्क होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, 1 से 2 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए 15 से 20 दिन में मोटा मोटी अपनी लाइफ साइकिल मकड़ी कंप्लीट कर देती है। मादा मकड़ी नर मकड़ी की तुलना पर थोड़ी बड़ी होती है। मादा मकड़ी अपने जीवन चक्र में दोस्तों पूरे जीवन काल में 50 से 100 अंडे देती है और अधिक टेम्परेचर की दशा पर मकड़ी बहुत ही तीव्र गति से फैलाव होता है। तो इसके रोकथाम के ऊपर बात करते हैं, कंट्रोल के बारे में। तो इनमें से कोई एक कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं, ओबेरॉन 1 ml प्रति लीटर, इसके अलावा आप धानुका की ओमाइट 1 ml प्रति लीटर, इसके अलावा HMO यानी हॉर्टिकल्चर मिनरल्स ऑयल 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो भी मकड़ी नाशक चाहो, ओबेरॉन हो, धानुका की ओमाइट्स हो, इनको भी आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको माइट्स का कंट्रोल करना चाहिए, जो हमने 2-3 कीटनाशक के नाम बतलाए। कोई एक कीटनाशक भी आप स्प्रे करते हैं तो आसानी से कंट्रोल आप कर सकते हैं माइट्स को। हैवी अटैक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो माइट्स का प्रकोप हैवी अटैक प्रमुख रूप से टमाटर की फसल पर हो सकता है, इसके अलावा एप्पल क्रॉप पर हो सकता है और जो आप फोटो पर देख रहे हैं इन फसलों पर कुछ ज़्यादा ही माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। खासकर अब तो मिर्ची है, शिमला है, टमाटर है, इन फसलों पर कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो सब्जियों पर, बागवानी पर, सभी प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं उन पर यदि अटैक है तो इस विधि से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 एफिड्स, कुछ इस प्रकार का दिखता है एफिड जो कि आप फुल स्क्रीन पर
वीडियो पर देख रहे हैं, ये है एफिड। तो एफिड एक सकिंग पेस्ट है जो कि फसलों को क्लोरोफिल को खासकर खाकर उपज को प्रभावित करता है। एफिड को मोइला माहू के नाम से भी जाना जाता है। एफिड का प्रकोप दोस्तों आपको बतला दें कि पत्तियों के निचले साइड देखा जाता है। एफिड के प्रकोप के कारण पौधे में जो फल हैं फूल हैं बहुत ही कम लगते हैं, पैदावार काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला देता है। आइडेंटिफाई के ऊपर बात करें तो एफिड कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। एफिड झुंड में रहकर ही साथ में रहकर ही पौधे में अटैक करते हैं। इसके 6 पैर होते हैं। और क्या आपको पता है दोस्तों, लेडी बग जो होता है मित्र कीट होता है जो कि एफिड को खाता है। और आपको बतला दें कि जो एफिड होता है यह पंखहीन होते हैं, उड़ नहीं सकते, और यह ब्लैक और ग्रीन पीले भूरे रंग के होते हैं, और इनकी लंबाई 3 mm लंबाई तक इनकी हो सकती साइज हो सकता है। लाइफ साइकिल 32 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। यदि हैवी अटैक के ऊपर बात करें तो इन फसलों पर जैसे खासकर सरसों हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, धनिया है, गेहूं, खीरा, भिंडी, बरबटी, मिर्च, कपास और टमाटर की फसल पर एफिड्स का प्रकोप देखा जा सकता है। और भी अन्य फसलों पर, चाहे तिली की फसल हो या फिर अन्य फसलों पर भी एफिड्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यह पत्तियों की निचली परत में रहकर नुकसान पहुँचाते हैं। निम्फ्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे जो चींटियां हैं इनको नहीं खाती हैं, यानी चींटियां एफिड्स को ना खाएं तो एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ छोड़ अपना प्रोटेक्शन यह स्वयं ही कर लेते हैं। इसका प्रकोप पत्तियों पर, लीफ पर, तना पर, फल फूलों पर और साथ ही जड़ों पर देखने के लिए मिल सकता है, यानी जड़ों से थोड़ा ऊपर तने के पास। इसमें सिस्टमिक कीटनाशक दवा ही काम करने वाली है। आपको जानकारी के लिए दोस्तों बतला दें कि जो सकिंग पेस्ट रस चूसा कीट है इन पर आप यदि खासकर आपको बतला दें कि जो सकिंग पेस्ट है इन पर सिस्टमिक कीटनाशक बहुत अच्छा काम करती है। कंट्रोल के ऊपर बात करें तो इनमें से कोई एक कीटनाशक स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पीला ट्रैप भी लगा सकते हैं, पीला और नील ट्रैप। लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, मीडा क्लोरप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, सिजेंटा की तारा का स्प्रे कर सकते हैं, बायर की रिजेंट SC का स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर की दर से, जो कि आप डोज देख रहे हैं वीडियो पर। इनमें से कोई एक कीटनाशक स्प्रे करेंगे तो आसानी से आप एफिड को कंट्रोल कर पाएंगे। अगले कीट के ऊपर बात करते हैं, नंबर 6 जेसेट। यह जो जेसेट कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है और इसको अन्य नाम से भी जेसेट को जाना जाता है, जैसे हरा तेला जेसेट, भुनगी, फुदका के नाम से जाना जाता है। इनिशियल स्टेज में जो पत्ते होते हैं वो मुड़ने लगते हैं। पहचान के ऊपर बात करें, आइडेंटिफाई, तो यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। सबसे ज़्यादा फुर्तीला होता है दोस्तों जेसेट, और इसके 6 पैर होते हैं, और यह रस चूसक कीटों की श्रेणी में आता है जो कि पत्तियों को निचले साइड से क्लोरोफिल को खाकर फसल को कमजोर कर देता है, वायरस को बढ़ावा देता है। यह पीले भूरे हरे रंग के हो सकते हैं। लाइफ साइकिल 25 दिन में अपनी समय अवधि, अपनी लाइफ साइकिल जेसेट कंप्लीट कर लेता है 25 दिन में। इनकी 3 स्टेज होती हैं, अंडे, लार्वा और अडल्ट। जो निम्फ्स होते हैं दोस्तों 7 से 21 दिन में अपने क्लाइमेट्स के हिसाब से यह जीवित रह सकते हैं। और एक फीमेल जेसेट 15 से 29 अंडे एक पत्ती पर देती हैं, या फिर अपनी एक लाइफ साइकिल पर 15 से लेकर 30 अंडे तक दे सकती हैं। बीज अंकुरण से 2 हफ्ते बाद ही जेसेट निम्फ्स अवस्था में अटैक देखा जा सकता है। क्रॉप के बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से हैवी अटैक कपास, भिंडी, खीरा, लौकी, सोयाबीन, सब्जी वर्गीय फसलें, फलों में और बागवानी में, इसके अलावा बैगन पर, और छोटी पत्ती रोग भी इसी कीट से होता है। इस कीट से, जेसेट से और सफ़ेद मक्खी से बैगन की फसल पर छोटी पत्ती रोग को बढ़ावा मिलता है। कंट्रोल के ऊपर बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए नीम ऑयल 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। पीला ट्रैप आप लगाएं 1 एकड़ में 20 पीस। ट्रैप तो आपको ज़रूर लगाना है। रासायनिक के लिए इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक प्रति लीटर की दर से स्प्रे करेंगे तो जेसेट को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 मिलीबग। यह जो फोटो पर आप देख रहे हैं यह है मिलीबग। कुछ इस प्रकार दिखता है मिलीबग। इसका प्रकोप काफ़ी फसलों पर देखा जा सकता है। तो जो मिलीबग है दोस्तों, मिलीबग एक रस चूसा कीट है जो कि पत्तों पर, तने पर क्लोरोफिल को खाकर पौधे को कमजोर करता है। इसकी आइडेंटिफाई के ऊपर बात करें, पहचान, तो मिलीबग छोटे छोटे सूक्ष्म जीव की तरह, मुलायम रुई की तरह दिखाई देते हैं। इनके शरीर में चिपचिपा पदार्थ होता है सफ़ेद रंग का।
जिससे स्प्रे कीटनाशक यदि हम जब करते हैं कोई भी कीटनाशक का स्प्रे तो शरीर तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कंट्रोल करने में और भी ज़्यादा मुसीबत होती है और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो यह हमारी फसलों पर अगस्त से लेकर फरवरी तक काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है दोस्तों। यह पत्तियों में जीवित रह सकता है। यह पौधे के छुपे हुए जगह पर दोस्तों आपको बता दें कि मादा बग अंडे देती है और मिली बग एक बार में 450 से 500 अंडे तक दे सकती है, जो फीमेल मिली बग होती है। अंडे, लार्वा और वयस्क, यह तीन स्टेज होती हैं। 28 से 32 दिनों में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कवर कर लेती हैं। ठंडे मौसम में यह और भी ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। फसलों के ऊपर बात करें तो अंगूर, अनार, संतरा, सीताफल, भिंडी, बरबटी, कपास, टमाटर, शिमला, नींबू, आम, केला, करेला, तरबूज, खरबूज, पपीता, आलू जैसी फसलों पर मिली बग का प्रकोप देखा जा सकता है और भी बागबानी में प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। मिली बग का प्रकोप सब्जियों के साथ साथ हरी सब्जियों पर कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए। नुकसान के ऊपर बात करें तो क्लोरोफिल को खाकर इसमें फंगस को बढ़ावा देता है मिली बग। यदि बात करें कंट्रोल के बारे में दोस्तों, तो आप क्रॉप को वॉश कर सकते हैं, क्रॉप को धुल सकते हैं प्रोफेनोफॉस से। तो प्रोफेनोफॉस आपको 500 ml लेना है 400 लीटर पानी में, लेकर के स्प्रे कर देना है। इससे क्रॉप वॉशिंग करने में भी मिलीबग कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड, टाटा की एप्लॉड इंसेक्टिसाइड, इन जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, या फिर ड्रिंचिंग कर सकते हैं कॉर्नफिडोर की 800 ml प्रति एकड़ की दर से। तो जो आप कीटनाशक आप देख रहे हैं इनका स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर की दर से, डोज बतला रहे हैं। अधिक नाइट्रोजन और अधिक पानी देने से जो मिलीबग है और भी ज़्यादा बढ़ावा देखने के लिए मिलता है, और भी ज़्यादा नाइट्रोजन से अधिक सिंचाई करने से और भी ज़्यादा मिली बग को बढ़ावा मिलता है। तो इन कीटनाशक का स्प्रे करके आप मिली बग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे कर रहे हो, सिलिकॉन चिप को मिलाकर, स्टिका मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप जो हमने कीटनाशक के नाम बतलाए हैं, मिली बग की पहचान बताई है, कंट्रोल आसानी से हो जाएगी, समस्या वाली बात नहीं है। कोई फसलों पर कीटों का प्रकोप है, रोकथाम करने के लिए आसान विधि आपको बतलाते जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं नंबर 8 लीफ माइनर। तो यह जो फोटो पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यह है लीफ माइनर, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश पर लीफ माइनर कहा जाता है। तो लीफ माइनर एक रस चूसा कीट है जो कि पत्तियों के अंदर जाकर क्लोरोफिल को खाकर, जिसमें जो सेल डिवीजन पत्तियां नहीं कर पाती हैं और पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र गति से नहीं कर पाता है, जिससे पैदावार लगभग 70% तक उपज में गिरावट देखने के लिए मिलती है और टमाटर की फसल को तो पूरी की पूरी चौपट करने की ताकत रखता है लीफ माइनर। देखने में सूक्ष्म से पत्तियों के अंदर चलकर क्लोरोफिल को खाकर पत्तियों को कुछ प्रकार टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना देती हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, यह अटैक है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो लीफ माइनर की मादा मक्खी घरों में दिखने वाली मक्खी की तरह ही होती है। कुछ इस प्रकार मादा मक्खी अपनी लाइफ साइकिल में 250 अंडे देती है। पत्तियों के अंदर, या फिर दोस्तों आपको बता दें कि मुलायम पत्तियों पर ही लीफ माइनर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और टमाटर की जैसे फसल है इसमें जो हमारे पौधे होते हैं छोटे छोटे पौधे पर भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। मादा मक्खी अपनी लाइफ साइकिल में 250 अंडे देती है और मुलायम पत्तियों पर या फिर पत्तियों के अंदर इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इनकी चार अवस्थाएँ होती हैं, अंडे, लार्वा, निम्स, अडल्ट और वयस्क। तो आपको बता दें कि जो लार्वा होते हैं, निम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और वयस्क भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। लेकिन लार्वा जो होता है निम्स पत्तियों के क्लोरोफिल को खाती हैं, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से मक्खी, कुछ इस प्रकार इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है और 25 से 28 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेती हैं। हैवी अटैक के ऊपर बात करें तो टमाटर, खीरा, सोयाबीन, शिमला, भिंडी, गुलाब, करेला, बीन्स, लौकी, शिमला और साथ ही दोस्तों तरबूज, खरबूज, बरबटी, सेम, गिलकी, पत्ता गोभी, मूली, पालक, मूंगफली, स्ट्रॉबेरी पर अटैक देखने के लिए मिलता है। कंट्रोल की ऊपर बात करते हैं कि लीफ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप स्टार्टिंग के दिनों पर एमामेक्टिन वेंजोइट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सिजेंटा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी आती है, इसकी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, पीला ट्रैप लगा सकते हैं। और जो कीटनाशक आप देख रहे हैं, चाहो एविसेंट हो, प्रोक्लेम हो, प्रोफेक्स सुपर हो, सिजेंटा की एम्पलीगो हो, इन कीटनाशक का स्प्रे करके आप प्रति लीटर की दर से जो की डोज देख रहे हैं, लीफ माइनर आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो याद रखिए, यदि स्टार्टिंग के दिन है तो इमीडा क्लोरपेड या फिर एमामेक्टिन
एक्टिव वेंजाइट स्प्रे करें। यदि प्रकोप बढ़ता है तो सिजेंटा कंपनी की दोस्तों जो बोलियम फ्लेक्सी आती है इसकी ड्रेंचिंग करने में लीफ माइनर 100% कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं लाल कद्दू बीटल, यह जो आप देख रहे हैं फोटो पर इससे हम हिंदी पर लाल कद्दू बीटल यानी रेड बीटल और इंग्लिश पर रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं। आइडेंटिफाइव के ऊपर बात करें तो यह वीटल व्हील वर्गीय फसलों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, भिंडी, बरबटी, बीन्स, गिलकी, तुरई, सेम, तरबूज, खरबूज, टिंडा और तुरई जैसी फसलों पर कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है लाल कद्दू वीटल का। यह वीटल 4 प्रकार के होते हैं, ब्लैक पंख वाले बीटल, काले धब्बे वाले बीटल, हल्के लाइट रेड जो कि कुछ इस प्रकार दिखते हैं, इसके अलावा रेड टाइप के जो कि आप देख रहे हैं डार्क रेड बीटल, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन खासकर लाल वाला जो कीट होता है कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है, या देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि उड़ने में बहुत ही फुर्तीले होते हैं। 6 पैर वाला यह रेड पंपकिन बीटल होता है जो कि पत्तियों के हरित लबक को कुछ इस प्रकार खाते हैं कि पत्तियाँ छन्नी की तरह दिखने लगती हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके प्रकोप के कारण पौधा बहुत ही कमजोर हो जाता है और काफी ज्यादा पैदावार में गिरावट देखने के लिए मिलती है, पत्ते काले पड़कर सूखने लगते हैं। यह कीट इतना खतरनाक होता है कि अंकुरण के समय से ही पत्तियों को खाने का काम करना शुरू कर देता है, पत्तियों को भी खाता है, तने को भी खाता है। आपको बता दें कि आप गिलकी, लौकी या फिर खीरा की खेती करते हैं तो पौधा छोटा छोटा होता है, जो कीट का प्रकोप होता है लाल कद्दू बीटल ही है, छोटी स्टेज से ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लाल कद्दू बीटल के प्रकोप के कारण दोस्तों हमारी फसल 65% से लेकर 95% तक खत्म कर सकता है, तो इस कीट से सतर्क रहें, सावधान रहें और स्टार्टिंग पर प्रिवेंटिव रूप में कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो इस बीटल की 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडे, लार्वा, निम्स और वयस्क। 150 से 300 अंडे एक बार में मादा बीटल देती है, अंडे से ग्रब, ग्रब से प्यूपा और प्यूपा से अडल्ट बनता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 20 से 25 दिन पर लाल कद्दू बीटल अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के लिए नीम ऑयल 3000 ppm 3 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा करंज ऑयल और फिश ऑयल 2-2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। रासायनिक के लिए किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं प्रति लीटर की दर से। बात करते हैं नंबर 10 हॉपर्स, जिसे हम फुदका के नाम से भी जानते हैं, BPH। इसकी भी आइडेंटिफाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, प्लस बात करते हैं कैसे टेम्परेचर पर इसकी जो लाइफ साइकिल बहुत जल्द यह कंप्लीट कर लेता है, तो वीडियो पर बने रहिए। BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर। आइडेंटिफाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इनके पंख होते हैं और यह देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार जरूर अलग हैं दोस्तों, लेकिन नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ही मेथड, इनके 6 पैर होते हैं और उड़ने में यह सक्षम होते हैं, यह ग्रुप वाइज चलते हैं। और यदि इन्फेक्टेड फसलों के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा धान की फसल पर या फिर धान की फसल पर ही कई प्रकार के BPH का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, जिसे हम फुदका के नाम से भी जानते हैं। तो धान की फसल पर BPH को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए दोस्तों समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं कि धान की फसल पर बिल्कुल यह जो हॉपर्स होता है, यह एक रस चूसा कीट है और नीचे की क्लोरोफिल को खाकर फसल को काफ़ी ज़्यादा कमजोर कर देता है, और कमजोर ही नहीं बल्कि एकदम ख़त्म भी कर सकता है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली श्रेणी में यदि बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि BPH होता है और धान की फसल को बिल्कुल 100% चौपट कर सकते हैं। धान की फसल पर इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे हॉपर्स, फुदका, माहू के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यदि हम बात करें तो धान की फसल पर 3 ही BPH काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर भूरा माहू जिसे कहते हैं, GLH यानी ग्रीन लीफ हॉपर जिसे हरा माहू कहते हैं, इसके अलावा WVPH यानी व्हाइट वेक प्लांट हॉपर जिसे सफ़ेद माहू के नाम से भी जानते हैं। खासकर BPH है और ग्रीन लीफ हॉपर्स यह काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो यह जो फुदका है दोस्तों, वीडियो पर आप देख रहे हैं इसकी डिजाइन, इसकी बनावट देख रहे हैं, यह हमारी फसल को यदि हल्का प्रकोप है तो 10% नुकसान और यदि हैवी प्रकोप है तो 100% तक फसल को यह चौपट कर सकता है। बार बार हम चौपट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि धान की फसल पर
जो इनिशियल स्टेज होती है यदि हम समय रहते, क्योंकि खासकर बासमती धानों पर इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है, यदि हम अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, अधिक देर तक पानी खेत में भरा हुआ रहता है, तो जड़ों से थोड़ा ऊपर यानी जो पानी भरा है उससे लगभग 2 इंच ऊपर इसका प्रकोप इतना ज़्यादा ग्रोथ वाइज होता है कि यह जो BPH है फसल को नीचे साइड से ऊपर साइड सुखाने का काम करता है और एकदम पूरा का पूरा जो खेत है एकदम चौपट कर सकता है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इसकी जो लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार है कि जून से अक्टूबर में 18 से 24 दिन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है, नवंबर से जनवरी में 38 से 44 दिन और फरवरी से अप्रैल 18 से 35 दिन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। सितंबर माह के स्टार्टिंग में BPH का प्रकोप शुरू हो जाता है और धान की फसल 60 से 65 दिन के आसपास की होती है तो इसकी चरम स्टेज पर होता है, यानी क्षतिग्रस्त काफी ज्यादा करते हैं, छोटे छोटे पंखों वाला यह तनों को काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त करता है और इसमें जो स्टेज है अंडे, निम्फ और वयस्क काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 8 से 10 दिन में अंडे, 15 से 20 दिन में निम्फ और 4 से 5 mm लंबे हो सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रख के कंट्रोल कैसा करना है आइए दोस्तों समझते हैं। रोग बीमारी आने के यदि हम रीजंस कारण के ऊपर बात करें तो लगातार खेतों में यदि पानी का भराव होता है या फिर अधिक ह्यूमस, अधिक टेम्परेचर की दशा पर, अधिक नाइट्रोजन की दशा पर बासमती किस्मों में यह जो कीट है, यह जो BPH, इसकी आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही लगती है। कीट लगने के कारण पत्तियाँ कुछ इस प्रकार की सूखने लगती हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। रोकथाम के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यह जो कीटनाशक दवाइयाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर प्रिवेंटिव रूप में, फर्स्ट और सेकंड जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं इनको प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करके शानदार BPH को कंट्रोल कर सकते हैं। BPH का हल्का फुल्का प्रकोप होता है यदि तब आप प्रिवेंटिव रूप पर इन कीटनाशक को स्प्रे करेंगे तो शानदार तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लगातार यदि बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ जाता है या फिर अपनी अंतिम स्टेज पर BPH होता है, फिर ऐसी कंडीशन पर हो सकता है कोई भी कीटनाशक दवाई काम ना करे, तो इसलिए धान की फसल पर जांच पड़ताल करते रहें। यदि BPH का प्रकोप हल्का है तो आप तुरंत उसका स्प्रे कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन के बारे में, कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने सकिंग पेस्ट के बारे में बतलाया तो जानकारी ऐड करते हैं कि सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीटों के लिए आप सिस्ट में कीटनाशक ही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी का यदि pH वैल्यू 7.5 से अधिक है तो आप DAP नहीं बल्कि SSP का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा चिकनी सरफेस पत्ती वाली फसल जैसे प्याज, लहसुन, केला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, गुलाब, सीताफल, मक्का, मटर, धान, गेहूं, अफीम, कटहल, ड्रैगन फ्रूट, एलोवेरा, अनानास जो फसलें हैं जिनके पत्ते चिकने होते हैं, इन पर सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका स्प्रे करने से परहेज करें। इसके अलावा थ्रिप्स के जो प्रिवेंटिव स्प्रे लेने से ही थ्रिप्स में काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि थ्रिप्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी कंडीशन पर कोई भी कीटनाशक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी जो कि प्रिवेंटिव में देती है। इसके अलावा रस चूसक कीटों के लिए स्टार्टिंग पर नीम ऑयल का भी स्प्रे किया जा सकता है। महंगी फंगीसाइड के साथ NPK घुलनशील खाद का स्प्रे ना करें। किसी भी कीटनाशक को क्रॉप में लगातार या फिर बार बार स्प्रे करने से कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, कीट कंट्रोल नहीं होते हैं, तो किसी भी कीटनाशक को 2 बार से अधिक आपको स्प्रे नहीं करने चाहिए। जो ब्रांडेड कंपनी या फिर कोई नई कंपनी नया टेक्निकल्स मार्केट में लॉन्च करती हैं तो इससे कंपनियों का ही नहीं बल्कि किसानों का भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो नया फॉर्मुलेशन वाला इंसेक्टिसाइड कीटनाशक होता है कीटों पर रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है, तो इसीलिए यदि कोई मार्केट पर नया कीटनाशक आता है, नया फॉर्मुलेशन आता है, तो उसको भी आपको ट्राई करके देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कीटों का विज्ञान। यह वे कीट थे जिन्हें कहते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट के बारे में आइडेंटिफाई कैसे पहचान करना है, लाइफ साइकिल के बारे में बात करी, कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं, कौन सी फसलों पर हैवी अटैक देखा गया है। वीडियो लंबी जरूर हो गई दोस्तों, लेकिन इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया, और जो बिगनर जो फार्मर्स हैं जो नए खेती में आना चाहते हैं या फिर जिनको नॉलेज का अभाव है, तो उनके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक यह वीडियो रहने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।